हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? इंडियन कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी बताऊंगी। ये बहुत ही आसान होता है और कुछ इसमें मैंने अलग तरीका बताया है। इसको आप देखिए और ट्राई कीजिए, ये आपको रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। चलिए मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। और दोस्तों, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट भी लिए हैं, चलिए मैं आपको उनका नाम बताती हूँ। मैंने किशमिश लिया है और बादाम लिया है। बादाम को इस तरीके से दो टुकड़े कर लिए हैं और इलायची भी ली है। इलायची को मैंने इस तरीके से पाउडर बना लिया है। साबुत डालेंगे तो साबुत मुँह में आएगा, तो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता है, तो इसलिए हमने पाउडर बना लिया इसका। चलिए मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। गैस हमारी जल चुकी है, अब इस पे हम कढ़ाई रखेंगे। आप चाहो तो फ्राई पैन भी ले सकते हो, जो हमारी गहरी कढ़ाई हो उस तरीके का ही बर्तन लेना है। इसको लगभग 5 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। 5 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें घी डालेंगे, जो हमने घी लिया था। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सूजी डालेंगे। तो इस तरीके से पूरा मिक्स करना है। इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकाना है। इसे पकाते ही रहना है और गैस की फ्लेम स्लो नहीं करनी है, तेज में ही पकाना है। 10 से 15 मिनट लगते हैं हमारी सूजी को पकने में। इसे आप जितना ही अच्छी तरीके से पकाओगे, आपका हलवा उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। हलवे को अच्छे से पकाना है। लगभग 5 मिनट के बाद जो हमने ड्राई फ्रूट लिया था और इलायची पाउडर लिया था, इसमें ही मिक्स कर देना है। इसे भी इसमें अच्छी तरीके से पकाना है। 15 मिनट में इसमें अच्छे से पक जाएगा। इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, तो सोचिए खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करना। देखिए दोस्तों, 10 से 15 मिनट लगभग हो चुका है हमारा। गैस की फ्लेम हम आज कम कर देंगे। जो हमने 1 गिलास करीब दूध लिया था वो डालना है इसमें। हम पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध डालोगे तो इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा, स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। इसको नॉर्मल ही आंच पे पकाना है, नॉर्मल आंच पे लगभग 10 मिनट के लिए और पकाना है। फिर बाद में हम इसमें चीनी डालेंगे। देखिए दोस्तों, 10 मिनट हो चुका है। अब हमने जो 1 कटोरी करीब चीनी ली थी, इस चीनी को इसमें डालना है। आप स्वाद के अनुसार भी चीनी ले सकते हो, जितना मीठा आपको पसंद है। चीनी डालने के बाद इसका कलर और भी अच्छा हो जाता है। चीनी को लगभग इसमें अच्छे से घुलने देंगे। हलवा लगभग हमारा बनकर तैयारी हो चुका है। आपको चीनी डालने के बाद लगभग 5 मिनट के लिए और अच्छे से पकाना है। देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो चुका है, हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। चलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों, सूजी का हलवा बनकर हमारा तैयार हो चुका है। देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मैं आपको चम्मच से भी उठा के दिखाती हूँ। दानेदार हलवा बना है पूरा। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। आप चाहो तो किसी फेस्टिवल पे बना सकते हो, या आपके घर में कोई मेहमान आया तो उन्हें भी आप खिला सकते हो। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।